इंडियन इकोनॉमी के रोडमैप को आगे बढ़ाने में वर्ल्ड वॉर टू एक सिग्निफिकेंट फैक्टर माना जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज टेकिंग प्लेस इन 1942, इंडिया ने फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट हो रहे पेंट पर बैन लगा दी। ऐसा करते ही डोमेस्टिक पेंट कंपनीज को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिली। इसी समय महाराष्ट्र के चंपकलाल चौकसी ने अपने कुछ दोस्तों चुमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी एंड अरविंद वाकिल के साथ मिलकर मुंबई के एक गैराज में पेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। ये बिजनेस आगे बढ़ा और कंपनी बनी एशियन पेंट्स। कंपनी के मैनेजमेंट ने पेंट सेक्टर पर जमकर रिसर्च किया। दे रियलाइज दैट अफोर्डेबिलिटी एंड सप्लाई वर टू मेजर फैक्टर्स दे हैड टू अंडरस्टैंड टू प्ले इन द सेक्टर। इसलिए चौकसी एंड टीम स्टार्टेड टू फोकस ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड टू ऑफर पेंट्स टू कस्टमर्स एट अ चीपर रेट। प्रोडक्ट्स रेंज को इन्होंने धीरे धीरे एक्सपैंड करना भी शुरू किया, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान दिया। और इनका मेन फोकस छोटे शहर और गांव थे, रूरल क्षेत्र में इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज्यादा फोकस किया। शुरुआती दिनों में जो भी अर्निंग्स कंपनी को मिलती थी उनका एक बड़ा पोर्शन ये न्यू फैसिलिटीज को क्रिएट करने में खर्च करते थे और आगे चलकर इसका फायदा कंपनी को मिला। ड्रिवन बाय इट्स स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर फोकस एंड इनोवेटिव स्पिरिट द कंपनी हैज बीन द मार्केट लीडर इन पेंट सेक्टर सिंस 1967। टुडे इट इज डबल द साइज ऑफ एनी अदर पेंट कंपनी इन इंडिया। एशियन पेंट्स मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज एंड ऑल्सो ऑफर्स वॉल कवरिंग्स, एडहेसिव्स एंड सर्विसेस अंडर इट्स पोर्टफोलियो। यही नहीं, द कंपनी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द होम इम्प्रूवमेंट एंड डेकोर सेगमेंट एंड ऑफर्स बाथ एंड किचन प्रोडक्ट्स। एशियन पेंट्स लाइटिंग, फर्निशिंग एंड फर्नीचर सेगमेंट को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चुकी है। इन द हेल्थ एंड हाइजीन सेगमेंट एशियन पेंट्स ऑफर अ रेंज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स। अब एशियन पेंट्स इंडिया की लीडिंग पेंट कंपनी बन चुकी है विद अ ग्रुप टर्नओवर ऑफ ₹289 बिलियन। न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एशियन पेंट्स ऑपरेट्स इन 15 कंट्रीज एंड हैज 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड सर्विसिंग कंज्यूमर्स इन ओवर 60 कंट्रीज। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,26,000 करोड़ रुपीज का है और साथ ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये थी एशियन पेंट्स की सक्सेसफुल स्टोरी। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, एशियन पेंट्स का नाम एशियन पेंट्स से पहले आखिर क्या रखा गया था? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे आकर जरूर दें, हमें इनका इंतजार रहेगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग आइडियाज, फंडामेंटल कॉल्स, डेली मार्केट से जुड़े अपडेट्स, सब कुछ हासिल करने के लिए डू सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड कैच अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.